नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी बिरयानी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपनी सामग्री बताती हूँ। हमने 2 कप चावल लिया है और इसे मैंने 2 बार धो करके और फिर इसे मैं आधा घंटा के लिए भिगो दिया था। अभी पानी छान के हमने, ये पानी हमारा निकल गया है पूरा अच्छे से। और हम उसके लिए सब्जी लिए हैं, हमने गाजर 2 लिए हैं, लंबे स्लाइस में हमने काट लिए हैं। शिमला मिर्च हमने 1 काटा है लंबे में, वही 2 प्याज हमने लंबे स्लाइस में काटे हैं, और ये फरस भी है, और 1 कप मटर लिया हमने। जिस कप से हमने 1 कप मटर लिया है उसी कप से हमने 2 कप चावल लेकर के हमने भिगा दिया था। हमारा यही कप का माप है। आप जिस चीज़ से लीजिएगा उसी हिसाब से पानी भी डालना है। अभी मैं आपको बताऊंगी। हमने फोड़नी के लिए जीरा लिया है, दालचीनी, 2-3 इलायची, 6-7 लवंग और 1 कली लहसुन हमने छील के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक हमने छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं। अब फोड़नी के लिए तेजपत्ता भी हमने लिया है, गरम मसाला बिरयानी मसाला, और ये धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए हम बनाते हैं। और कढ़ाई हमने रख दिया है और हम अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म होगा फिर हम अपना फोड़नी देंगे। हो गया, अब इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता और ये हम डालेंगे अपना लवंग और दालचीनी, जीरा, हमें सब साथ में ही डालना है। इसे अपनी मिर्ची, अदरक, लहसुन का घसा हुआ पेस्ट। गैस को हमें 3 आंच पे ही हमें भूनना है। हमारा हो गया, ये हमारी फोड़नी, हमें ज़्यादा काला नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज। अभी हमारा थोड़ा प्याज हो गया है, ज़्यादा हमें प्याज को भूनना नहीं है। फिर हम इसमें डालेंगे गाजर और अपना शिमला मिर्च और फरस भी, सब हमें डाल के हमें भूनना है। गैस को हमें फास्ट करना है अब, और इस सब्जी को हम भूनेंगे। और इसमें इसी साथ में हम ना 1 कप मटर भी डालेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हम अपनी सब्जियां देखेंगे 2 मिनट बाद। हमने देखिए हमारी सब्जी हल्का हल्का पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, धनिया पाउडर हमने 1 चम्मच पहले से ही अंदाज से लिया है, वही 1 चम्मच हमने बिरयानी मसाला लिया है। आप एवरेस्ट का भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी का आप लेके कर सकते हो। तब से हम भूनेंगे। आप इसमें हरी मिर्ची नहीं पसंद है तो आप इसमें कलर के लिए लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का स्वाद अलग ही होता है, इसलिए हमने हरी मिर्च डाली है। अब हम इसमें अपना चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हमें 2 मिनट फास्ट आंच करके हमें भूनना है। अब हम इसमें, हमारा भून गया है चावल, अब इसमें हम जिस चम्मच से हमने 1-1 चम्मच मसाला डाला था उसी चम्मच से हमें 3 चम्मच नमक डालना है। भून गया है हमारा चावल। अब जिस चम्मच कप से हमने पानी लिए चावल लिया था 2 कप चावल, उसी कप से हमें अंदाज से पानी डालना है 3 कप। तो हम 3 कप पानी डालेंगे भर के, 1 कप, 2 कप, 3 कप। हम कढ़ाई में बना रहे हैं अपनी बिरयानी, इसलिए हमने 3 कप पानी डाला है। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप इसमें 2 कप पानी डालिए, जितना
चावल रहे उतना ही पानी रहे। कढ़ाई में पकने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। अब हम इसे ढक देंगे और हम गैस को फास्ट रखेंगे। उबाल आने के बाद हमें कम करना है गैस। चलिए अब हम अपना देखते हैं बिरयानी। देखिए हमारी बिरयानी पक गई है और सब दाने अलग अलग हो गए हैं चावल के। खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम अपने बिरयानी को ढकेंगे नहीं, दो मिनट तक हम अपना गैस को फास्ट करके ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। उसके बाद हम अपना सर्व करेंगे इसे। दो मिनट हमारा हो गया है, हमें गैस को बंद करना है। देखिए अब हम अपना बिरयानी सर्व करेंगे। कैसे लगे हमारे वेज बिरयानी? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और आप बनाइए, खाइए। मैं जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।